सामने में लेकर आई हूँ छोटी सी रेसिपी, झटपट है ये भी, इजीली। और जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंच फ्राइज तो हर कोई पसंद करता है, और ये वाले फ्रेंच फ्राइज जो है ये हैंगे कर्लीस टाइप के, जैसे कर्लीस लेस और जो दूसरे होते हैं ये वाले सादे हैंगे, और ये क्रिस्पी भी बहुत हैंगे। और जो ये वाले हैं ये हैंगे खट्टे और स्पाइसी, जो है एक तरह से आप इसको बोल लें होम चाइनीज चिप्स, फ्रेंच फ्राइज चिप्स क्यूब्स, क्यों जो भी बोल लें। और आई होप आप लोग जब ये बनाएंगे तो आप लोगों को जरूर अच्छे लगेंगे। और ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा है तो ये ऑयली, लेकिन इसमें आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है दूसरे वाले ऑयल यूज़ करें। ऑलिव ऑयल ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो बहुत से लोग होते हैं डाइट वाले वो खा नहीं सकते, तो आप अगर इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ, तो इस तरह से जो है हर इंसान डाइट कॉन्शियस जो है वो भी खा सकता है। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ वाले, ये वाले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं ये वाले खा रही हूँ। ये वाले बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, और ये तो है हम ऐसे भी खाते ही रहते हैं मांसाहार से, लेकिन जो घर की बात होती है ना वो घर की अलग बात होती है। आप चाहे तो कर्लीस की तरह के जो लाइंस वाले होते हैं, बेबी की तरह के लाइंस के जो होते हैं, तो आप उसके जो है बहुत सारे कटर्स मिलते हैं बाहर, तो आप कटर्स दे सकते हैं, और कटर्स देके आप उसको आलू को कट कर सकते हैं, तो वो आपके लाइंस पड़ जाएंगे, आलूओं पर शेप आ जाएगा बिल्कुल वैसे। और हमेशा याद रखिए जब आप ऐसे वाले जो है क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाएं, तो प्लीज़
या तो आप जो है टिश्यू पेपर यूज़ कर लें, या आप कोई भी पेपर न्यूज़पेपर या कोई भी यूज पेपर यूज़ कर लें, और आप उसको बिछा कर उस पर जो है आप उसको लाइन वाइन से ऐसे ऐसे रख दें, और फिर सारे जो है आप जो है फिर इसके ऊपर आप इसको लाइन वाइन से रख कर फिर आप इसको पुश कर सकते हैं दूसरे न्यूज़पेपर को लेकर या टिश्यू पेपर को लेकर सूख कर सकते हैं। और फिर जब ये सूख जाए तो फिर उसके बाद आपको फ्राई मिल जाए थोड़ी सी देर के लिए, फिर उसके बाद आप जब इसके ऊपर हवा लगी हो ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो फिर ये क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी देर से भी हो जाए और ये जले जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर इसके आप केचप के साथ भी खा सकते हैं। मेरे घर में केचप ख़त्म हो चुकी है क्योंकि मैं पकौड़ों के साथ केचप बहुत खाती हूँ, तो इसलिए केचप नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही खा रही हूँ। और ये इसके अंदर भी इसके अंदर जो है आप टाटरी अगर ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि टाटरी ही आप ऐड करें, इसके अंदर आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं, नींबू निचोड़ के और उसके भी आप वैसे ही टेस्ट होगा, बस थोड़ा डिफरेंट होगा। और चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ मैं, मेरे से रुका नहीं जा रहा बिल्कुल भी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, टाटरी का जो फ्लेवर आ रहा है ना अब जो भी चाहे डाइट वाले हैं वो तो सिर्फ देख ही सकते हैं। और इतना ही क्यूब्स कट कीजिएगा, ज्यादा पानी मत कीजिएगा। और ये वाले बिल्कुल आप देख रहे हैं कितना पतला है, ऐसे ही कट कीजिएगा। ये थोड़े मिर्चों वाले तो इसलिए मैं इसे खा रही जा रहा, ये वाले परफेक्ट है मेरे क्योंकि ये बिल्कुल ना इसमें नमक है ना कुछ है। आप इसमें ऐड करने चाहे तो नमक ऐड कर सकते हैं और अपनी मर्जी से कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे कि चटपटा नूडल्स का साशी होता है आप उसको थोड़ा सा रख के इसको मिक्स कर लें तो आपको टेस्ट अच्छा लगेगा, लेकिन सोल्ट में ज़्यादा अच्छा है। और यह चाट मसाले में ज़्यादा अच्छा लगता है, चाट मसाले में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि चाट मसाले की बात ही अलग होती है। तो आप लोगों को अच्छी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट रमज़ान स्पेशल, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रमज़ान स्पेशल में वीडियो में। तब तक के अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओ हाँ, मैं एक बात तो कहना भूल गई, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इंस्टा ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।